जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने शाहपुर, किन्नी और देगवास सेक्टर में किया संघर्ष विराम का उल्लंघन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले, भारत और चीन के बीच हालात बहुत बुरे, सीमा विवाद में मदद को तैयार, प्रधानमंत्री मोदी को अच्छा दोस्त बताया। सुशांत की मौत का मामला, आज शोविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा के 4-6 दिनों की हिरासत की मांग करेगा एनसीपी, ड्रग्स मामले में किए गए गिरफ्तार। रेलवे पंजाब में आज रात एनडीए की परीक्षा के लिए चलाएंगे विशेष ट्रेनें, ये ट्रेनें जाएंगी चंडीगढ़ तक। पंजाब के कपूरथला में 70 वर्षीय बुजुर्ग की कोरोना ने ली जान, 41 नए पॉजिटिव, तो वहीं फाजिलका में बैंक कर्मी सहित 41 नए कोरोना पॉजिटिव मामलों की पुष्टि। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 40 लाख के पार, पिछले 24 घंटे में 86,432 नए मामले आए सामने। हिमाचल में दर्दनाक सड़क हादसा, खाई में गिरी कार, 4 युवकों की मौत। शिमला से चंबा, मनाली और धर्मशाला के लिए आज से रात्रि बस सेवा बहाल, परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने की इसकी पुष्टि। उच्च न्यायालय ने मांगा पुलिस अफसरों पर FIR का ब्यौरा, पंजाब सरकार को नोटिस। हरियाणा में अब ऑनलाइन होगा दस्तावेज सत्यापन, आयोग के चक्कर नहीं काटेंगे युवा। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।